72 घंटे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जिससे कर्फ्यू जैसे हालात बन जाएंगे। पुलिस लोगों से घर में रहने की अपील कर रही है। टू व्हीलर पर एक ही व्यक्ति को बैठने के लिए कहा जा रहा है। सब्जी बेचने वालों को भी समझाइश देकर सब्जियां नहीं बेचने के निर्देश दिए गए हैं। जय मोहसिन खान से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सत्या ने। हमारे साथ टीआई हमारे साथ हैं, मोहसिन खान जी हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की आप लोगों की सामना हो रही है, किस तरह के लोग बाहर निकल रहे हैं अभी। तिलीबांधा चौक में हम लोग यहाँ पर जांच कर रहे हैं और अमूमन लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और कुछ जरूरतमंद लोग जो मेडिकल सेवा से संबंधित है वही लोग जो है आना जाना कर रहे हैं। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शहर में भीड़ भाड़ कम हो, रोड में आना जाना लोगों का कम हो पाए, इसके लिए हमारे जवान और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये आदेश ये भी जारी हुआ है कि फोर व्हीलर में दो व्यक्ति का और जो टू व्हीलर है एक व्यक्ति का, इसको लोग पालन कर रहे हैं? हाँ, इसका पालन कर रहे हैं लोग और हम लोग कुछ कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को समझा रहे हैं जो या तो मेडिकल के कारण किसी को अस्पताल में इलाज कराने जाना पड़ रहा है, इस कारण से डबल लोग जा रहे हैं, तो उनको हम लोग वो कर रहे हैं कि भाई कोशिश करें कि वो सिंगल जाएं। बाकी काफ़ी हद तक लोग कोशिश कर रहे हैं करके इसका पालन करें। दूसरों के ख्याल तो पुलिस रख रही है, लेकिन पुलिस जो यहाँ पे तैनात है, जो जवान तैनात है, उनके किस तरह की सावधानी बरत रहे हैं? जवानों को हमारे द्वारा पूरी तरह से ब्रीफ किया गया है कि वो अपने मुंह में मास्क लगाएं और हर आधा घंटा 15 मिनट में अपने आप को सैनिटाइज करें और वो लोग जो है थोड़ा सा डिस्टेंस भी बनाएं, इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। है। और जो बात कही जा रही है 72 घंटे को लेकर, तो 72 घंटे सख्ती बरती जा रही है, हर चौक चौराहों पे पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ये लोगों से लगातार अपील है फिलहाल, और कई जो चौक चौराहों में चलानी की कार्रवाई की जा रही है। अब देखना ये होगा कि 72 घंटे के बाद क्या रिजल्ट आता है। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।